देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया की बेटी ने पहले ही प्रयास में मारी बाजी, बिहार लोक सेवा परीक्षा में 14वां स्थान लाकर किया जिला का नाम रोशन। पूर्णिया टीका पट्टी क्षेत्र अंतर्गत गुड़ियार गांव की अंकिता ने एक मिसाल कायम की। बचपन से अपनी मां के साथ पूर्णिया में रहकर की पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए बनी इंजीनियर, नौकरी छोड़ लग गई BPSC की तैयारी में। मेहनत और लगन से किस तरह मुकाम हो सकता है हासिल, ये करके दिखाया। अपनी मेहनत और कामयाबी की दास्तां खुद सुनाई अंकिता ने। घर गोड़ियर है, रुपौली ब्लॉक में गोड़ियर गांव। फिर यहाँ मेरी मम्मी का हमेशा से था कि एजुकेशन देना और ये सब पूरा प्रायोरिटी, तो यहाँ लेके आई। और फिर यहाँ पे अर्सलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से 6th तक वहाँ पे पढ़े हैं। फिर उसके बाद ब्राइट करियर स्कूल गए, फिर इंजीनियरिंग का तैयारी किए तो NIT वो AIEEE के थ्रू NIT कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ पे BTech किए। फिर वो जो कैंपस सिलेक्शन होता है उसके थ्रू एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहे थे नोएडा में, 1-1.5 साल तक जॉब की है। साथ साथ प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे कि UPSC में करना है। फिर उसके बाद लेकिन साथ में नहीं हो पा रहा था, फिर उसके बाद UPSC वो जॉब छोड़ के और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। फिर बहुत काफ़ी 3-4 साल से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो UPSC में कहीं 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 कुछ ना कुछ कमी रह जा रहा है। फिर फाइनली अभी 62 का निकला था, 60-62 कमीशन BPSC, तो उसमें एग्ज़ाम दिए और फिर ये फाइनली ये रिजल्ट आया। अभी वैसे मेरा स्ट्रगल तो जारी है, देना है मुझे आगे। अच्छा, कितना मुश्किल रहा ये सब कुछ, क्योंकि एक लंबा स्ट्रगल का दौर आपने देखा है इंजीनियरिंग से होते हुए, आप बता रही हैं कि यहाँ तक का रास्ता, ये कितना मुश्किल था और घर से कितना सपोर्ट मिला? काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जॉब छोड़ना और ये सब मतलब बहुत मेजर डिसीजन था। लेकिन यही है कि मम्मी पापा का हमेशा रहा, कभी उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि तुम जल्दी करो या फिर शादी करनी है या फिर ये या फिर जॉब छोड़ रहे हो तो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो। उनका ही सपोर्ट था, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे साथ जो दोस्त होते हैं उनको ये प्रेशर रहता है घर से हमेशा, तो उन ये इतना बड़ा डिसीजन लेने से भी डरते हैं। बट मेरे फैमिली का ये था कि पूरे टाइम पूरा सपोर्ट रहा, कभी नहीं हुआ, कभी एक नंबर से छूटा, कभी कुछ हुआ, तो हमेशा वो लोग साथ दिए हैं, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। एक्चुअली UPSC तो नहीं लेकिन BPSC पहले शायद अटेम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई किया, रैंक भी कितनी थी और ये सब कुछ, कितना क्या लगा था कि क्वालिफाई करने वाली हैं? हाँ मतलब ये एक्चुअली जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था उस समय मेरा UPSC का रिजल्ट आया था कि वो नहीं हुआ है, उसके दूसरे दिन मेरा ये एग्ज़ाम था और मुझे मैंने किस प्रेशर में दिया था मुझे ही पता है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि लिस्ट में नाम आ जाए वही बहुत है। लेकिन मतलब आज लग रहा है कि हाँ, और मुझे लग रहा है कुछ अजीब किया है मैंने, मतलब अच्छा लग रहा है और मुझे तो क्या, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कुछ, बट मम्मी पापा को देख रही हो तो लग रहा है कि हाँ यार कुछ अजीब किया है। बिहार पिछड़ा हुआ भी है, ऐसे सुदूर लोग गाँव में रहने वाले लोगों को या उनके गार्जियनों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि बिटिया जब बड़ी होती है तो गार्जियन का सीधे प्रेशर होता है कि शादी करा दे, ऐसे उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं ये तो बहुत सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि इवन रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, तो पूरे टाइम ये आता है कि बिहार का सबसे ज़्यादा है, बिहार में 40% से ज़्यादा लड़कियों का चाइल्ड मैरिज हो जाता है। तो अब ये तो बहुत गलत है, ये मतलब एज अ मैसेज तो जाना ही चाहिए कि आप पढ़ाइए, और अभी क्या इंटरनेट का ज़माना है, अब आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, इंटरनेट बस लगा लीजिए और आप पढ़ सकते हैं, तो ये मौका मिलना चाहिए और सरकार भी इसके लिए बहुत कुछ कर ही रही है। तो मतलब अब आगे लड़कियां भी आ रही हैं, इनफैक्ट मैंने खुद देखा इतनी सारी लड़कियां आ रही हैं और आगे भी आएंगी, तो ये मतलब ऑब्वियसली लड़कियों के लिए तो मतलब गार्जियन को थोड़ा वो करना चाहिए कि ये नहीं कि शादी ही सब कुछ होता है, कि इसके आगे बहुत कुछ है। तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसा मतलब एग्जाम्पल बनूँ और लोग मतलब काफ़ी लोग फिर आके, मैंने भी देखा, मैंने भी बहुत लोगों को, मैंने बचपन में किरण बेदी और बाकी लोगों से इंस्पिरेशन लिया है, तो फिर और भी लोग लेंगे ही।